वन विभाग द्वारा 45 दिन पूर्व पकड़े गए हाथी की स्थिति दयनीय। आपको बता दें, धनबाद जिले के निरसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद मेनका गांधी के निर्देश पर धनबाद वन विभाग द्वारा 45 दिन पूर्व एक हाथी को पकड़ मैथन के आमकोड़ा स्थित वन विभाग के कार्यालय में बांध कर रखा गया है, जिसकी हालत बिना चारा के काफी दयनीय हो गई है। वह काफी कमजोर दिख रहा है। अगर हाथी को इसी तरह और कुछ दिन रखा गया तो उसे बचा पाना असंभव हो जाएगा। हाथी की दयनीय स्थिति की सूचना मिलने पर जब पत्रकारों की टीम वहां पहुंची तो हाथी की हालात देख संबंधित अधिकारियों से बात की गई। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं थी, अगर इस तरह की कोई बात है तो डॉक्टर की टीम बुलाकर हाथी की जाँच करा लिया जाएगा। इसी दौरान हाथी के मालिक राकेश दुबे से बात हुई। उन्होंने कहा कि 45 दिन पूर्व रेंजर साहब द्वारा यह कहकर हाथी को पकड़ लिया गया था कि हाथी का कोई कागजात नहीं है। लालो नाम है सर। हाथी कैसे पकड़ाया और कौन पकड़ा? हम रोड से जाते समय एक रैना घोष था, वही पर हमको लोग के पकड़ा, कोई रुको रुको हाथी रोक लिया। रैना घोष कौन है? अकरे बाद हमको लोग क्या गया बोला, हमको इतना पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे। हमका पैसा मांग रहा था। हाँ, 1 लाख से पार मांगा था, 1 लाख रुपया दीजिए तो हम तुमको छोड़ेंगे। अच्छा। तो हम कहा हमारे पास पैसा कहा, हम लोग तो मांगते खाते जाते हैं तो कहाँ पैसा पाएंगे दे। राणा घोष कौन है? तो वही तो हमको लोग पकड़ा। राणा घोष कौन है? जो NGO चलाता है राणा घोष वहाँ का धनबाद का वही था। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार दुबे। इस हाथी का मालिक कौन है? केदारनाथ दुबे। तो बोल रहे हैं आपकी हम हैं मालिक, हम उनके बेटे हैं। अच्छा अच्छा, आप उनके बेटे हैं। हाँ। ये हाथी कहाँ से खरीदे? ये हाथी खरीदे थे इलाहाबाद से। तो यहाँ पर बांध दिया गया है, कौन बांधा इसको? फॉरेस्टर रेंजर साहब। कौन? रेंजर साहब। अच्छा, फॉरेस्टर डिपार्टमेंट। क्यों बांधा गया इसको? कागज पत्र जाँच करने के लिए। तो कागज पत्र जाँच हुआ? कागज पत्र जाँच हुआ, मामला बढ़ा के कोर्ट में दे दिए हैं। हाँ? कागज जितना हमारे पास था सब प्रूफ दे दिए हैं। हाँ? उसके बावजूद 45 दिन से हाथी रोक के रखे हैं। अच्छा। हाथी का कोई खाना पीना का इंतजाम नहीं है, हाथी चुपचाप चल जा रहा है। हाँ? हम लोग 3 आदमी हैं, परदेसी बिना खाए मर रहे हैं। हाँ? कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर से और इल्जाम लगा रहा है, डिमांड कर रहा है। क्या बोल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हाथी का कागज सही नहीं है, दान पत्र जो है वो डुप्लीकेट है। हाँ। तो कोर्ट में गए थे तो क्या बोला? कोर्ट में गए, कोर्ट में आज बहस हुआ है। हाँ? वही बहस पर वो जो रिपोर्ट दिया है कि इसका जो वो है वो क्या बोलते हैं, हुआ देखिए नाम नहीं आ रहा है, जो हम लोग का कागज है। हुँ? इस कागज को बोल रहा है कि जो दान लेता है वो दान देने का अधिकार नहीं है, ये कागज गलत है। कोर्ट बोल रहा है? हाँ, नहीं कोर्ट नहीं बोल रहा है, रेंजर साहब बोल रहे हैं। ओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा। और बिहार पटना से